बड़ी खबर, डुमरिया प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा विद्यालय मैग्रा से मध्यम भोजन खाने से 34 बच्चों से अधिक बीमार हो जाने के बाद आनन फानन में 24 बच्चों को डुमरिया सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में कस्तूरबा विद्यालय के प्रधान नरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मध्यम भोजन खाने से बच्चों को एक तबीयत खराब होने लगी, तो वहीं एम्बुलेंस के सहारे 24 बच्चों को डुमरिया अस्पताल में भेजा गया। वहीं डॉक्टर के एक टीम कस्तूरबा विद्यालय में जाकर सभी बच्चों का इलाज कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि रसोईया बनाने वाली घोर लापरवाही बरते जाने की सामने आया है मामला। फिलहाल इस पर कस्तूरबा विद्यालय के प्रधान कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक दर्जन से अधिक बच्चों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज डुमरिया अस्पताल में किया जा रहा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा कुमारी, वीडियो पुष्पलता सिंह आदि ने अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया है। हालांकि किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं किया है कि किस कारण बच्चे बीमार हुए हैं। निधि सिंह के साथ अरुण अंजय की रिपोर्ट। लोग बीमार थे, कुछ को उल्टी हुई थी और नशा टाइप का आया था, जो हमारे यहाँ 7-8 के करीब एडमिट हुए और सभी का स्थिति सामान्य है और उनकी इलाज चल रही है। ठीक होने के उपरांत उनको छुट्टी दे दी जाएगी। टोटल लगभग 34 बच्चे आए थे आपके पास? कुछ बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमने बुलाया था इसलिए कि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उसकी इलाज तुरंत कर पाए। आपकी एक टीम मैगरा कस्तूरबा गांधी में ही पहुँची और मेरा एक टीम स्कूल में ही हम बैठा कर रखे हैं कि कुछ भी दिक्कत हो तो तुरंत वहाँ इलाज हो जाए और यदि किसी तरह का ज़्यादा दिक्कत हो तो हम उसको एम्बुलेंस से तुरंत अपने अस्पताल ले आए।